हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 16, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है, FACTORIZE, फैक्टराइज करना है हमें इसका, ठीक है। तो जो आपको पॉलिनोमियल मिला हुआ है उसकी फैक्टराइजेशन आपको करनी है। याद रहे कि आइडेंटिटी ये वाली होगी और ये तो अब तक आपको लर्न हो ही गई होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह। तो सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से। पहले काम होगा आपको स्टेटमेंट लिखनी है। 3√3a³ माइनस का b³ माइनस 5√5c³ माइनस 3√15abc। और आपको अब काम आपका ये होगा कि आपको a, b और c की वैल्यू को पता करना होगा। तो 3√3 को आप लिख सकते हैं √3, और ए क्यूब से ए आ जाएगा, इसकी पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वापस आपको वही चीज़ मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो माइनस बी की पावर 3 के रूप में लिखेंगे, इसको अंदर यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह से माइनस का √5c³, क्योंकि 5√5 हमें मिलेगा, रूट फाइव को 3 बार मल्टीप्लाई करके, √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5, इन दोनों से 5 मिल जाएगा और ये √5 रह जाएगा, √5 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 5√5 का क्यूब रूट रूट फाइव होता है, ठीक है। माइनस अंदर रखना है आपने याद से, तो मैंने अंदर रख दिया। अब माइनस का 3abc, ये फॉर्म जो है वो देखिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर ए के कोरस्पॉन्ड में पहली टर्म ये आई है, दूसरी टर्म माइनस बी है, तीसरी टर्म जो −√5c है वो आई है। पावर 3 को छोड़ देंगे आप। तो अब आपको निकालना है −3abc की फॉर्म, मतलब पहली फॉर्म पहली मल्टीप्लाई दूसरी मल्टीप्लाई तीसरी टर्म जो है वो। पहली टर्म जो है वो है √3a और दूसरी टर्म है माइनस की b, तीसरी टर्म है माइनस की √5c। ए बी सी के कोरस्पोंडेंस में मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, ठीक है। ओके, अब आगे, अब ये देखिए मल्टीप्लाई करके क्या वापस आपको ये चीज़ मिल रही है, 3√15abc माइनस की। तो माइनस तो देखिए आपके सामने है, यहाँ पर ये माइनस रहा, 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √15। √3 और √5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट ख़त्म नहीं होने वाला और √15 आपको मिल जाएगा। तो 3√15 हो गया, ए बी और सी, ए बी सी और आ गया, तो और माइनस का निशान ये वाला आ गया, तो मिल गया आपको वापस यही चीज़। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लीकेबल होगी और आपको जो है इसको फिर इस तरीके से लिखना है आगे, जो आइडेंटिटी में दे रखा है इस फॉर्म में, पहली टर्म प्लस में दूसरी टर्म प्लस में तीसरी टर्म। जो माइनस की है वो माइनस आ जाएगी और जो प्लस की है वो प्लस आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमें इसकी पावर 2 के रूप में लिखना है, पहले वाले की पावर 2, फिर दूसरे वाले की पावर 2, फिर तीसरे वाले की पावर 2 के रूप में। तो √3a की पावर 2 करते हैं तो √3 का स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा कितना, 3 और ए स्क्वायर। फिर प्लस में माइनस बी की पावर 2 करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, पावर 2 करने पर माइनस बी की पावर 2 करें तो आपको मिलता है प्लस का और बी स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, तो ये आपको हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है प्लस का, ये √5c की पावर 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √5 से 5 मिल गया और c की पावर 2 से c स्क्वायर मिल गया, तो यह यहाँ पर आपको 5c स्क्वायर मिल रहा है, तो वही आप लिखेंगे, ठीक है। क्या मिला है, 5c स्क्वायर, ठीक, गुड। अब आगे आगे जो है, पहली टर्म मल्टीप्लाई में दूसरी टर्म और माइनस का निशान। अब एक माइनस तो फार्मूले का हो गया, माइनस का और √3 मल्टीप्लाई में माइनस का b, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का निशान लगा दिया।
फिर रूट थ्री है अकेला और ए और बी, ए बी हो गया, तो रूट थ्री ए बी आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर है ना? गुड। अब नेक्स्ट, माइनस बी सी। माइनस बी यानी कि सेकंड टर्म जो कि माइनस की ही है और थर्ड टर्म जो कि माइनस की रूट फाइव सी है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपको देखिए माइनस एक ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तीन माइनस हो गए तो माइनस आएगा और रूट फाइव और ये बी सी, रूट फाइव बी सी, माइनस का रूट फाइव बी सी आपको मिल जाएगा। क्लियर है कैसे आया ये सब कुछ? वेल डन। अब आगे, माइनस का सी ए मतलब इन दोनों का, इसका और इसका प्रोडक्ट, माइनस का रूट फाइव सी मल्टीप्लाई में रूट थ्री ए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, एक तो माइनस तो आ ही गया, रूट फाइव और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फिफ्टीन मिलेगा, और सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए मिलेगा। तो ये जो है गोल ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ये फैक्टराइजेशन हुई। आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ये तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब एक गलती तो मुझसे यहाँ पर हो ही गई है कि एक तो माइनस का था ये निशान और एक फार्मूले का होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, प्लस का रूट फिफ्टीन सी है। देखिए हमें कई सारे सब्जेक्ट्स कराने होते हैं तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छे से हम नहीं करते हैं, और सारी क्लासों को कराते हैं तो गलतियाँ देखो ये हो जाती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट, आपको तो अपना एक सब्जेक्ट करना है मैथ का, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होगा, टीचर्स के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है कराने के लिए, जो स्पेशली होम ट्यूटर होते हैं तो उनके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सभी क्लास से अलग अलग आती रहती है उनके पास में, तो उनको पढ़ाना पड़ता है अलग अलग क्लासों को भी। तो इसलिए मेरी जो गलतियाँ होती है उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए और अपनी जो है ना स्ट्रोंग होइए अपनी चीज़ के अंदर। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये है, अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।